का अधिकार मेरे विभाग का है। बहनों और भाइयों, दुनिया बदल रही है, हमारा देश बदल रहा है, हमारा देश धनवान है, पर हमारी जनता गरीब है। इसका अगर कारण कोई है तो एक शायर ने बहुत अच्छी शायरी की थी। उसने कहा था, इधर गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे चौवन प्राण। अब आपको मैं किसी को गधा नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी को घोड़ा नहीं बोल रहा हूं, चलो पत्रकार मेरे नाम पर डाल देंगे। गधा कौन है और घोड़ा कौन है, ये तय करने का अधिकार जनता की अदालत में आपको है। आप तय करिए कि वो कौन है। इस देश के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होना चाहिए। मैं किसान हूं, 3 चीनी मिले चलाता हूं, आज किसान की हालत अच्छी नहीं है। सोयाबीन का भाव अर्जेंटीना तय करता है, पाम ऑयल का भाव मलेशिया तय करता है। बहन और भाइयों, मक्के का भाव जो होता है वो अमेरिका तय करती है, और गेहूं और चावल को कोई कीमत नहीं है। किसान दुखी है। पहली बार हमने देश को यह सोच दी कि किसान के खेत को पानी मिलना चाहिए। आपको ताजी होगा, मैं गोदावरी का पानी काम है, गोदावरी का पानी कोलावरम में 60,000 करोड़ का डैम आंध्र प्रदेश में मेरे विभाग द्वारा भराया जा रहा है। गोदावरी का पानी बैक वाटर जो था वो कृष्णा में, कृष्णा का पेन्नार में, और पेन्नार का कावेरी को जोड़कर तमिलनाडु के टेल एंड तक पानी लेके जा रहे हैं। मैं अभी 8 दिन पहले तमिलनाडु में था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और मैं हवाई जहाज में 3 रैली मैंने की, दिन भर मेरे साथ थे। उनने मुझे कहा कि नितिन जी, मेरे घर पर 2 फोटो है, एक जयललिता जी का है और दूसरा तिरुपति बालाजी का, और तीसरी फोटो में जगह खाली है। बोला किस लिए खाली रखी है? बोले जिस दिन आप गोदावरी का पानी कावेरी में जोड़कर तमिलनाडु में लाओगे, उस दिन आपका फोटो वहां लगाने की मेरी इच्छा है। बाढ़ के कारण एक तरफ नुकसान हो रहा है, हमारे गांव बर्बाद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ गांव में पीने के लिए पानी नहीं है, हालत बनी हुई है। जैसे पावर ग्रिड बना है वैसे वाटर ग्रिड बनाने की बात हम कर रहे हैं। अब कैनाल से नहीं तो पाइपलाइन से पानी आएगा और ड्रिप से किसानों को मिलेगा, ये योजना मेरे विभाग ने बनाई है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा टीवी पर कि हमने पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज लाया, एमपीवीएस सी प्लेन, वाटर प्लेन, और वो प्लेन में बैठकर मैंने खुद ट्रायल लिए, मोदी जी भी बैठे। अब पानी पे नदियों में रिवर पोर्ट बनेंगे और लोग अब एयरपोर्ट पे नहीं तो रिवर पोर्ट पर पानी पे हवाई जहाज से उतरेंगे, वो दिन अब दूर नहीं है। हर बात मुमकिन है, यही तो हमारा दावा है। ये पत्रकार भाई बैठे हैं, मैं 35-40 साल के राजनीति में हूँ, बहुत काम कर चुका हूँ, ये मुझे एक सवाल नहीं पूछ सकते। मैं जो बोलता हूँ वो डंके के चोट पर काम करके दिखाता हूँ। और अभी हमने रशिया से एक एयरबोट लाई है, उसका इंजन टोयोटा कंपनी के लैंड क्रूजर जो है ना एसयूवी, उसका इंजन उसको लगा हुआ है, उसके पंखे हवाई जहाज के हैं और उसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। और मैं 23 मई के पहले ही प्रयागराज में उस बोट में बैठकर वाराणसी जाने वाला हूँ, और मैं यहाँ तक भी आ सकता हूँ साहिबगंज में। आपको पता है कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? अगर रोड से जाने के लिए अगर फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए खर्चा आता है, रेलवे से जाने के लिए 6 रुपए आता है, तो पानी से जाने के लिए 1 रुपया खर्चा है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, अब इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बसें हमने लाई,
इलेक्ट्रिक पर चलने वाली ऑटो रिक्शा लाई, इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बाइक और स्कूटर हमने लाई है। देश बदल रहा है। इस बार 26 जनवरी को हमारे हेलीकॉप्टर और हमारे एयरफोर्स के हवाई जहाज जो उड़े थे वो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के जंगलों में जो जट्रोफा होता है, रतन जोत, मोह, साल, करंज और टोली, इसके तेल से हमने विमान चलने वाला ईंधन तैयार किया डेहराडून पेट्रोल इंस्टीट्यूट में और उसके ऊपर हवाई जहाज चले। स्पाइस नहीं तो स्पाइस जेट का एक हवाई जहाज डेहराडून से दिल्ली तक हमारे जंगल में आदिवासी, हमारे किसान, ये जो नॉन एडिबल ऑयल सीड है, अखाद्य तेल दिया, रतन जो मोह साल करंज टोली जो मुझे मालूम है झारखंड में है, उसके तेल से हवाई ईंधन बनाएंगे, 30,000 करोड़ का इंपोर्ट बचाएंगे, प्रदूषण से मुक्ति देंगे, हवाई टिकट सस्ता होगा और हमारे देश के आदिवासियों और किसानों के हाथों को काम मिलेगा, उनके बेटों को काम मिलेगा, ये नीति हमने स्वीकार की। तो 3 नदियां भारत को मिली, 3 पाकिस्तान को मिली। कांग्रेसियों ने कभी सोचा नहीं हमारे 3 नदियों का पानी पाकिस्तान में जा रहा था जो करार में हमारा था। हमने पहले बार 3 डैम बनाने का निर्णय किया, मैंने राज्य सरकार से स्वीकृति ली और बहनों और भाइयों हमने बजाकर पाकिस्तान को बताया कि तुम पानी हमारे भरोसे पी रहे हो, क्योंकि 1960 में जनरल अयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में करार हुआ था और उसमें लिखा गया था कि भारत बड़ा भाई है, पाकिस्तान छोटा भाई है, भाईचारा, समन्वय, सौहार्द, प्रेम दोनों देशों के बीच में रहना चाहिए, इसलिए भारत के 3 नदियों का पानी हम पाकिस्तान को देंगे।